हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बात करने वाले हैं आपके कि कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर पर आपका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा की जाएगी और जिन बच्चों के कम नंबर हैं उनका कौन सी लिस्ट में नंबर आ सकता है और कितनी लिस्ट आएंगी और सेकेंड या थर्ड लिस्ट आने का क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। आपको नई नई अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करने वाले हैं आपके कि कितने नंबर वालों का पहले तो सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट आने का क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड थर्ड लिस्ट आने का प्रोसीजर होता है, पहले आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट आने के बाद में उनको फीस जमा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, फीस जमा हो जाएगी, उसके बाद में एक लिस्ट और निकाल जाएगी। क्योंकि अधिकतर बच्चे फीस जमा नहीं कराते हैं, कोई कारण बस किसी और में सलेक्शन हो जाता है तो वो नहीं करते हैं BSTC। इसके बाद में कितनी सीटें रिक्त रहती हैं उसके आधार पर आपकी सेकंड लिस्ट निकाल ली जाती है। ये फिक्स है कि सेकंड और थर्ड के बाद में भी लिस्टें निकल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिन बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं उनका सेकंड या थर्ड लिस्ट में नंबर आ सकता है। और बात करें हम फर्स्ट लिस्ट में, हम अगर कैटेगरी के हिसाब से बात की जाए तो जर्नल की है। जर्नल कम से कम आएगी आपको 370। ठीक है, कितनी भी सीटें बढ़ जाओ लेकिन इतना रहता है भाई साहब। और OBC है, OBC आपके 370 में इसमें 5-10 प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और EWS के और आते हैं, EWS के आते हैं आपके, ये भी 365 प्लस रहेगा। ठीक है दोस्तों, और रही आपकी SC वाले, SC और ST, SC व ST। ठीक है दोस्तों, उनके लिए 350 प्लस वाले बच्चे। तो जो ऑल ऑफ ओवर बात की जाए, 350 जिस बच्चे के नंबर आ रहे हैं उनका नंबर फर्स्ट लिस्ट में आ सकता है। बाकी बच्चों को मैंने बोला भी है कि 300 प्लस वालों का थर्ड या फोर्थ लिस्ट में नंबर आ जाएगा। थर्ड थानों तो निकलेंगी फिक्स है, उसके बाद में भी लिस्ट आ सकती है। ठीक है दोस्तों, ये रहने वाली है आपकी कट ऑफ। ठीक है, और फर्स्ट लिस्ट आपकी जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। और आपका कोई डाउट हो तो हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।